अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन सिक्स। क्वेश्चन सिक्स क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, ठीक है, एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, कह रहा है कोई पहले तो सब कोई सर्कल बनाना है, ठीक है। अब कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, ठीक है, ए कोई पॉइंट है, यहाँ पे मैंने कोई ए पॉइंट मान लिया। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, जो टेंजेंट जो पॉइंट ए है ना उसका डिस्टेंस सेंटर से कह रहा है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, और जो टेंजेंट की जो लेंथ है शुरुआत से जो लेंथ कह रहा है वो टेंजेंट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये टेंजेंट है हमारी, ठीक है, यहाँ पे लगी है टेंजेंट है 4 सेंटीमीटर। कह रहे फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, और हमें रेडियस ऑफ सर्कल निकालनी है, मतलब हमें ये निकालनी है, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल निकालनी है। इसको मैं ओ ले लेता हूँ, इसको पी ले लेता हूँ पॉइंट को, ठीक है। अब हमें मैं रेडियस रेडियस कैसे निकालूंगा, अब मैंने थ्योरम 10.1 में पढ़ा है जो रेडियस होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, तो मैं इसको परपेंडिकुलर कर दूंगा, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ। अब ये परपेंडिकुलर हो गया तो इससे हमारा ए ओ पी ट्रायंगल राइट एंगल हो गया, ये वाला राइट एंगल है, ठीक है, तो ये हमारी हाइपो हो गई, ये बेस हो गई, और मैं ये निकालूंगा पाइथागोरस थ्योरम से ओ पी। देखो कैसे, सबसे पहले इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी क्या लिखना है, हाइपो, पहले पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ अदर साइड्स का स्क्वायर, अदर साइड्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। मतलब क्या है, ओ ए का स्क्वायर, हाइपो होती है ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अदर साइड्स कौन सी है ए पी, ए पी का स्क्वायर प्लस एक और अदर साइड कौन सी है ओ पी का स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों का सम, इसलिए मैंने लिखा सम ऑफ अदर साइड्स का स्क्वायर, ठीक है, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर साइड्स का स्क्वायर, ठीक है, अदर साइड कौन सी है ओ पी और ए पी, तो अब हम लिख देंगे हाइपो क्या है हमारी 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी क्या है हमारी 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस ओ पी, ओ पी कितना है हमारा आर, तो ओ पी की जगह लिख देंगे हम आर, ठीक है, आर का स्क्वायर, तो इधर से क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, अब ये 4 का स्क्वायर मैं इधर ले जाऊंगा तो कितना आ जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर को मैं इस साइड ले गया इक्वेशन के तो माइनस हो जाएगा वो, ठीक है, तो 25 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा हमारा 20 माइनस 16 हो जाएगा 9, ठीक है, इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर हमारा हो गया 9, ठीक है, तो आर कितना आ जाएगा, जब भी स्क्वायर हटाते हैं एक साइड से दूसरी साइड हमेशा रूट आ जाता है, ठीक है, रूट 9 और प्लस माइनस का साइन आया था, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, अब इसके आगे से स्क्वायर हटाएंगे ना तो एक्स इज इक्वल टू दूसरी साइड क्या आ जाएगा प्लस माइनस और आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है, और जो बचा है वो उसको ऐसे का ऐसे ही, ठीक है, जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस और अंडर रूट आता है, अब देखो प्लस माइनस आ गया और अंडर रूट आ गया, पर अब मैं इसको आर इज इक्वल टू खाली रूट 9 लिखूंगा, माइनस का साइन इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि आर हमारी रेडियस है, रेडियस कभी भी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि रेडियस कुछ डिस्टेंस है हमारा, डिस्टेंस कुछ तो होगा 3, 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, कभी भी नेगेटिव थोड़ा होगा, कुछ सर्कल की कुछ रेडियस होगी, ठीक है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ये थोड़ा कि नेगेटिव हो जाएगी, सर्कल अंदर ही घुस जाएगा अपने आप, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, अभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आर इज इक्वल टू रूट 9 आ गया, तो रूट 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 9 होता है हमारा 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 9 की जगह मैं 3 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से हमेशा रूट कैंसिल हो जाए, तो क्या आर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर लिख देंगे आगे, ठीक है, क्वेश्चन सेंटीमीटर में चल रहा था, मीटर में चल रहा था तो हम मीटर में लिख देते हैं, ठीक है, तो आर इज इक्वल टू हमारी कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन सेवंथ, क्वेश्चन सेवंथ क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले गाइस कॉन्सेंट्रिक कह रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनके दोनों के सेंटर सेम हो, ठीक है, जिन दोनों सर्कल्स के सेंटर सेम हो, एक ये हो गया सर्कल, एक हमारा सर्कल ये हो गया, ठीक है, अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनके सेंटर सेम हो, जैसे अब ये छोटे वाले सर्कल का भी सेंटर सेम है और बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर सेम है, सेंटर सेम मेरा कहने का मतलब है जैसे मैंने एक पहले कंपास ली उससे एक सेंटर रखा और एक सर्कल बना दिया, ठीक है, एक ऐसे सर्कल बना दिया, फिर मैंने दोबारा कंपास ली उसी सेंटर से थोड़ी कंपास को ना खोल दिया मैंने, ठीक है, ऐसे खोल दिया फिर एक और सर्कल बना दिया, सेंटर तो हमारा एक ही रहा ना ये, तो ऐसे ही मैंने पहले एक छोटा सर्कल बना दिया सेंटर से फिर एक कंपास खोल के बड़ा सर्कल बना दिया, तो उनका सेंटर सेम है, तो जो दो सर्कल्स का सेंटर सेम हो तो उसको कहते हैं
कोसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब कह रहे हैं टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कह रहे हैं दो सर्कल है, उसकी एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो मैं बड़े वाले की बना देता हूँ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, बड़े वाले की 5 सेंटीमीटर बना दी रेडियस, क्योंकि बड़े वाले की रेडियस बड़ी होगी ऑब्वियसली। और छोटे वाले की बना दी 3 सेंटीमीटर, ठीक है, छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर कर दी मैंने, ठीक है, ये सेंटर है हमारा ओ। तो गाइस आगे कह रहा है, कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। कह रहे हैं लार्जर सर्कल पर कोई कॉर्ड है, उसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है, लार्जर सर्कल में है वो कोई कॉर्ड विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। जो जो कॉर्ड है ना, वो ना स्मॉलर सर्कल को टच करती हुई जाती है। जो स्मॉलर सर्कल को टच करती हुई जाएगी, मतलब वो टेंजेंट हुई, छोटे सर्कल की टेंजेंट हुई, बड़े सर्कल की वो कॉर्ड हुई, ठीक है। बड़े सर्कल में तो वो देखो, बड़े ये बड़ा सर्कल है समझ लो, तो उसमें तो ये ऐसे चीज तो ये कॉर्ड ही हुई, ठीक है, ये तो टेंजेंट हो नहीं सकती। पर अब छोटे सर्कल में ये ऐसे होते हुए जा रही है, ऐसे होते हुए जा रही है, तो मतलब ये टेंजेंट है छोटे सर्कल की, ठीक है, बड़े सर्कल में तो कॉर्ड ही है, ये छोटे सर्कल की टेंजेंट हुई। अब मुझे इतना पता है, अब देखो छोटे सर्कल की ये टेंजेंट है, तो ये ओ, इसको मैं दे देता हूँ नाम क्यू, ठीक है, ये पॉइंट को नाम क्यू दे दिया मैंने। अब देखो ओ क्यू, देखो ओ क्यू हमारी रेडियस है छोटे सर्कल की, ठीक है, और ये टेंजेंट है, इसको नाम देता हूँ ए बी, ठीक है, ए बी हमारी टेंजेंट है और ओ क्यू हमारी रेडियस है। तो हम थे हमारी थ्योरम 10.1 कहती है कि जो रेडियस होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, हमने पहले ही पढ़ी है, ठीक है। तो रेडियस परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के छोटे सर्कल की, क्योंकि ये टेंजेंट है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, हमें कॉर्ड की लेंथ निकालनी है ए बी की, ठीक है। अब कॉर्ड की लेंथ मैंने सोचा मैं कैसे निकालूं, देखो सबसे पहले मैं ना इस वाले सेंटर से ना, ये सेंटर से ये रेडियस, अब देखो इस ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस हमारी 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर थी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मैं इसको यहाँ तक बना दूँ तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि सर्कल की रेडियस तो हमेशा सेम ही होती है, तो ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर हुई ओ से लेके ए तक, ठीक है, समझ आइए, क्योंकि ये चीज़ हमारी रेडियस है, ये भी तो हमारी रेडियस ही हुई, ठीक है। तो रेडियस हमेशा एक ही सर्कल की रेडियस हमेशा इक्वल होती है, ठीक है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गई। अब ये देखो ये 5 सेंटीमीटर है, छोटे वाली 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, छोटे वाली 3 सेंटीमीटर है, तो इससे मेरी ए क्यू आ जाएगी, क्योंकि देखो ये ओ क्यू एक राइट ट्रेंगल है, ओ क्यू एक राइट ट्रेंगल है, और ये राइट ट्रेंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले ट्रेंगल में से मैं ए क्यू निकालूंगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अब देखो दिखाता हूँ मैं कैसे निकाल रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले लूंगा इन ट्रायंगल ओ क्यू ए, ओ क्यू ए ट्रायंगल लिया मैंने, ठीक है, और अब ओ क्यू ए ट्रायंगल में अब मैं लिखूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पी टी, अब ऐसे भी लिख सकते हो बाय पी टी पाइथागोरस थ्योरम, 5 OA का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर साइड्स का स्क्वायर। अदर साइड्स क्या है हमारी ओ क्यू, ओ क्यू सॉरी, या क्यू ओ लिख दो, क्यू ओ का स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर, ठीक है, दोनों का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, दोनों का सम। अब मैं इनमें बस वैल्यू डाल दूंगा, ओ ए का, ओ ए क्या है हमारी 5, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ क्यू क्या है, ओ क्यू है हमारी 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ए क्यू मुझे, क्योंकि अब मुझे ए बी की लेंथ निकाल ली, अभी मैं ए क्यू की निकाल रहा हूँ, अब ऐसे ही क्यू बी की भी निकाल लूंगा, ठीक है। सबसे पहले ए क्यू की निकाल रहा हूँ, तो ए क्यू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इधर चला जाएगा, 3 का स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा इधर जाएगा, तो ठीक है, इज इक्वल टू ए क्यू का स्क्वायर। तो कितना आ गया, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू ए क्यू का स्क्वायर, ठीक है, 25 माइनस 9 कितना होता है 16 इज इक्वल टू ए क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब ए क्यू का स्क्वायर 16 आ गया हमारा, ए क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया, तो अब ए क्यू कितना आ जाएगा, ए क्यू इज इक्वल टू दूसरी साइड आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 16, ठीक है। अब हमारा ए क्यू जो है, ए क्यू कुछ डिस्टेंस है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ए क्यू इज इक्वल टू रूट 16, प्लस का नेगेटिव साइन हटा दूंगा, ठीक है, तो मैं ए क्यू इज इक्वल टू रूट 16 लिखूंगा। तो अब ये गाइस आप यहाँ पे सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ए क्यू इक्वल टू रूट 16, प्लस प्लस माइनस की जगह सारी खाली सिर्फ प्लस का साइन लिख सकते हो, क्योंकि हमें तो पता है ए क्यू हम डायरेक्ट लिखे हैं पेपर में, ठीक है, ये चीज़ हमें बताने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है, कि हमारी ये ए क्यू एक डिस्टेंस है इसलिए हम नेगेटिव साइन हटा रहे हैं। हम डायरेक्ट ऐसे ए क्यू इक्वल टू रूट 16 लिख सकते हैं इस पॉइंट के बाद, इस स्टेप के बाद, ठीक है। तो ए क्यू इज इक्वल टू रूट रूट 16 आ गया, तो इसका रूट 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 16 होगा हमारा 4 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना आ गया हमारा 4, तो ए क्यू कितना आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर, लिख देंगे सेंटीमीटर है तो, ठीक है, ए क्यू इज इक्वल टू 4 आ गया, तो ए क्यू आ गया हमारा 4, ठीक
ठीक है। अब सिमिलरली अब हम क्वेश्चन ना, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, ओ ए को, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा ठीक है, ओ को बी से जोड़ेंगे, ये वाली लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी क्योंकि ये रेडियस है हमारी ठीक है। तो अब इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से हम ये बी क्यू निकाल देंगे ठीक है। अब देखो ओ इन ट्रायंगल ओ क्यू बी, इन ट्रायंगल ओ की ओ क्यू बी, ओ क्यू बी इन ट्रायंगल ओ क्यू बी, ओ क्यू बी वाले ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल है, तो राइट एंगल की सामने वाली साइड कौन सी होती है, ये हाइपो, तो हाइपो का स्क्वायर ओ बी, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर साइड का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर ठीक है। ओ बी कितना है हमारा 5, इज इक्वल टू ओ क्यू कितना है हमारा 3 प्लस बी क्यू का स्क्वायर ठीक है। तो ये भी इसकी तरह ही चल रहा है, देखो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू का स्क्वायर ठीक है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्यू का स्क्वायर ठीक है। तो ये चल रहा है 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी क्यू का स्क्वायर ठीक है। तो बी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया 16, ऊपर जाओ ले जैसे ही ऐसे हम बिल्कुल ठीक है। तो बी क्यू कितना आ जाएगा हमारा, बी क्यू इज इक्वल टू 4 आ जाएगा ठीक है। यहाँ ए क्यू का स्क्वायर 16 आया था, तो ए क्यू क्या आया था हमारा 4, तो बी क्यू इज इक्वल टू 4 आ गया ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब गाइस ये जो हम मैंने ये स्टेप करा ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्टेप किया, अब ये ऊपर वाले के बिल्कुल सिमिलर स्टेप है ना, जब भी ऊपर वाले के जैसा बिल्कुल सेम सिमिलर स्टेप नीचे हो रहा हो ना, तो हम टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, इसकी जगह इस पार्ट की जगह क्या लिखेंगे, मैं सीधे लिखूंगा सिमिलरली, सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ ओ क्यू बी, जैसे ये ट्रायंगल ओ क्यू बी लिया है, तो ऐसे इन ट्रायंगल ओ क्यू बी बी क्यू इज इक्वल टू 4 ठीक है। डायरेक्ट लिखूंगा मैं टाइम बचाने के लिए, अगर टाइम है तो आपको पूरा कर दो ठीक है। अब टाइम मैंने बचाना है बोर्ड के पेपर करने के लिए, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि ये मेरा स्टेप बिल्कुल सेम ऊपर जैसा हो रहा है ठीक है। ऊपर ए क्यू इज इक्वल टू 4 है, अब मैं इधर बी क्यू निकाल रहा हूँ ठीक है। इधर देखो इस वाले ट्रायंगल में ये 5 था, ये 3 था ए ओ क्यू में, अब ये वाले ट्रायंगल देखो ओ क्यू बी, इसमें ये वाली साइड 5 है और ये वाली साइड 3 है, तो ये तो सेम ही आएगा हमारा बी क्यू ठीक है। बी क्यू सेम ही आएगा, तो मैं बी क्यू इक्वल टू डायरेक्ट 4 लिखूंगा क्योंकि हमारा ए क्यू मेरा डायरेक्ट 4 आया था ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको समझ नहीं आ रहा ठीक है, बी क्यू इक्वल टू 4, या आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो ठीक है। मैं तो डायरेक्ट लिखता हूँ जब भी करता था ठीक है। तो बी क्यू इक्वल टू 4 आ गया हमारा, तो हमें लेंथ निकालनी है ए बी की। ए बी क्या हुई, ए बी हुई हमारी ए क्यू प्लस क्यू बी, ए क्यू प्लस क्यू बी इज इक्वल टू ए क्यू कितना हमारा 4 प्लस बी क्यू कितना हमारा 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 8 सेंटीमीटर ठीक है। ए बी इसी से बन के तो बन रही है, ए बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू बी ठीक है। ए क्यू प्लस क्यू बी इज इक्वल टू ए बी, ए क्यू प्लस क्यू बी इज इक्वल टू ए बी ठीक है। तो इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर ठीक है।